होसिया दूसरा बाब। अपने भाइयों से अमी कहो और अपनी बहनों से रुहामा। तुम अपनी मां से हुजत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शोहर हूं, क्योंकि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जिनाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा न हो कि मैं उसे बेपर्दा करूं और उस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क जमीन की मानिंद बनाकर प्यास से मार डालूं। मैं उसके बच्चों पर रहम ना करूंगा, क्योंकि वो हिलाल ज्यादा नहीं है। उनकी मां ने छनाला किया, उनकी वालिदा ने रू स्याही की, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी पानी और ऊनी और कितानी कपड़े और रोगनों शरबत देते हैं। इसलिए देखो, मैं उसकी राह कांटों से बंद करूंगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा, ताकि उसे रास्ता ना मिले, और वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा ना मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी, मैं अपने पहले शोहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्लाओ मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फराहमी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूंगा, और अपने ऊनी और कितानी कपड़े जो उसकी सतरपोशी करते छीन लूंगा। अब मैं उसकी फाशागरी उसके यारों के सामने फाश करूंगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इलावा इसके, मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सब्बत के अय्याम और तमाम मुय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा, और मैं उसके अंगूर और इंजीर के दरख्तों को, जिनकी बाबत उसने कहा है, ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूंगा और उनको जंगल बनाऊंगा, और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं उसे बालेम के अय्याम के लिए सजा दूंगा, जिनमें उसने उनके लिए बखौर जलाया, जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। तो भी मैं उसे फरीफ्ता कर लूंगा और बियाबान में लाकर उसे तसल्ली की बातें कहूंगा, और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो और वो वहां गाया करेगी, जैसे अपनी जवानी के अय्याम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंत फरमाता है, तब वो मुझे ऐशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं बालेम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रींगने वालों से अहद करूंगा, और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा, और लोगों को अमनो अमान से लेटने का मौका दूंगा, और तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा। हां, तुझे सदाकत और अदालत और शफकतो रहमत से अपनी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा,
और तू खुदावंत को पहचानेगी। और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावंत फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, और वो यज़रियेल की सुनेंगे, और मैं उसको उस जमीन में अपने लिए बोऊंगा और लोर हामा पर रहम करूंगा, और लुआमी से कहूंगा कि तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे ऐ हमारे खुदा।